संकल्प पत्र कमेटी की आज दूसरे दिन की अंतिम चरण की बैठक हुई है आपके आवास पर, किस किस तरह के सुझाव निकल कर सामने आए हैं सर, और उस पर क्या विचार किया गया? देखिए, जो 1,70,000 जो सुझाव आए थे उनको टीमें लगा के और उनका एक कैटेगरी बनाई गई थी, तो 2,000 कैटेगरीज में वो सुझाव थे जी। फिर उन कैटेगरीज में से उन एक एक सुझाव को हमने लगभग एक मैराथन बैठक की है आपकी जानकारी के लिए, कल से लगे थे हम जी। कल 3 घंटे बैठे, फिर रात को फिर बैठे, सुबह फिर बैठे, और उसमें से जो सुझाव जनता से आए थे वो भी, और जो अलग अलग ग्रुपों से इंटरेक्शन से आए थे वो भी, एक एक सुझाव को पढ़ते हुए हमने उनमें से लगभग 200 सुझाव जो है वो निकाले हैं, जिनको घोषणा पत्र का, संकल्प पत्र का जो हिस्सा बनेंगे जी। और आज सुबह उन सारे जो सुझाव हमारी कमेटी के मन में थे, जो लोगों से आए थे, जो अलग अलग ग्रुप के इंटरेक्शन के साथ आए थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने उनके निवास पर हमारी सारी कमेटी ने आज साझा किया है। अभी एक दौर चर्चा का हमने और करना है, 14 तारीख का सुबह का समय रखा है विधायकों और सांसदों के साथ, तो गुड़गावा PWD रेस्ट हाउस में हम उनके साथ भी उन विचार साझा करेंगे, उनकी सब राय मशवरा सुझाव जो इस घोषणा पत्र के लिए होंगे वो सब लेंगे, और उसके बाद इसका फाइनल स्वरूप निखर के आएगा। मंत्री जी, 2014 का जो आपका संकल्प पत्र था उससे अलग 2019 का संकल्प पत्र बने, क्योंकि 5 साल से आप सत्ता में हैं, इस नाते जो वो आपके अनुभव रहे हैं, तो 2019 का भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में संकल्प पत्र किस तरीके का होगा? देखिए, दो चीजें हम समझते हैं जी। एक हम समझते हैं कि चैलेंजेज हमारे सामने क्या हैं, तो अब हमको चैलेंजेज का पता है, फिर रिसोर्सेज के आधार पर हमको संभावनाओं का पता है, तो चैलेंजेज और संभावनाओं की जानकारी और उसके अनुभव के आधार पर हम, मैं ये कहता हूं कि इस बार काफी व्यावहारिक और बेहतर घोषणा पत्र की तरफ हम जाने वाले हैं। फिर एक मैं कहूंगा कि मोदी जी के जमाने में युग बदला है और बदलते हुए युग के हिसाब से बहुत चीजें आएंगी। जैसे युग कैसे बदला है, पहले क्या था, भारत में ऐसी व्यवस्था थी कि ट्रेन आ गई, जो चढ़ गए, रह गए सो रह गए। अब व्यवस्था ये है कि ट्रेन आ गई, हर किसी को लेकर जाएगी, जैसे रसोई गैस पहुंचे तो हर घर पहुंचे, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की कि नल से जल हर घर तक देंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट है कि हर परिवार को घर है, तो ये अब चीजें हर व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करना, अब इरा बदला है, युग बदला है, भारत की क्षमताएं बढ़ी हैं, भारत अब अपनी आबादी को अपने भरोसे नहीं छोड़ रहा, भारत की सरकार अब अपने ऐसे सेक्शंस को डिलीवर कर रही है जिनको जरूरत है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपको उस रूप में आएंगी कि सब तक क्या क्या जा सकता है, बहुत सारी चीजें आगे भविष्यगामी चीजों को देखते हुए कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में कहां पहुंचना चाहिए, उस रास्ते पर ही तरफ बढ़ने की तरफ चीजें आएंगी जो चैलेंजेज आज सामने है, तो बहुत ही मैं कहूंगा कि मेहनत से और बहुत सघन एक्सरसाइज हो रही है, इतनी एक्सरसाइज शायद पहले और इतना बड़ा विमर्श पहले नहीं हुआ होगा, तो सारी टीम व्यावहारिक भी है, सारी टीम का अनुभव भी है, चैलेंजेज हमारे सामने हैं और जो कुछ रिसोर्सेज हैं उनकी भी हमको जानकारी है, तो सरकार के रिसोर्सेज के भरोसे चैलेंजेज के पार जाते हुए किस तरह से एक नई दिशा हरियाणा को मिल सकती है उस पर काम हो रहा है। सर, आप जो है वो मंत्री हैं, आपके पास जो सुझाव आए हैं सर, 1 लाख से भी ज्यादा सुझाव आए हैं किसानों के लिए, सर आप क्या मानते हैं, आपके दिल में क्या है कि 2019 के संकल्प पत्र में आप किसानों के लिए और किस तरीके से कुछ रखने वाले हैं? ये दिल की बात नहीं है, संकल्प पत्र की बात है, ये संकल्प पत्र जिस दिन रिलीज होता है उसी दिन सब बातें रिलीज होती हैं, तो इसमें से पहले बातों की घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन उसमें किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, व्यापारियों के लिए भी है, उद्योगपतियों के लिए भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, पिछड़े वर्गों के लिए भी है, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी है, समाज के जितने भी सेक्शंस हैं सबके लिए है, हर सेक्शंस को एड्रेस करेगा ये संकल्प पत्र। एक सर पिछले एक सवाल था, हरियाणा से रेडिकली कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों ने गुजरात में जैसे कुछ फाइन में कटौती कर दी 10-15%, हिमाचल ने नोटिफाई नहीं किया, तो हरियाणा में भी कुछ सरकार इस पर विचार कर सकती है कि थोड़ी आधार दे दी जाए, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम इतना जुर्माना खुला है जैसे बाकी जगह। देखिए,
ऐसे विचार अभी कोई सरकार के सामने आए नहीं है। कोई विचार आते हैं और परिवहन मंत्रालय का काम है, तो निश्चित रूप से ऐसे कोई विचार आते हैं तो सरकार विचार करेगी। कहीं हम लेते हैं और आप डाल दो तो कोई बात नहीं है।